बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर की कुछ नई अपडेट के साथ मैं हूं तस्लीम सजाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट है जो तफसील से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक तो रैपिड टेस्ट के हवाले से है और दूसरी जो है वो हामद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है, वो भी मैं आपके साथ तफसील से शेयर करूँगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, दोनों अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो रैपिड टेस्ट के हवाले से कतर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये बताया गया है कि क्योंकि अब जो है दोबारा से स्कूल की जो है वो क्लासेज ओपन की जा रही हैं, दोबारा से जो है नर्सरी या जो बाकी जो स्कूल हैं उनको ओपन किया जा रहा है, तो इसमें यह बताया गया है कि 48 घंटे पहले जो है तमाम जितने भी स्टाफ है, टीचर हैं या बच्चे हैं, सबको जो है रैपिड टेस्ट करवाना लाजमी होगा। स्कूल की जो मतलब जिस दिन स्टार्ट होना है उससे 48 घंटे पहले जो है वो रैपिड टेस्ट करवाना होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं या इसी तरह जो बाकी स्टाफ हैं उनको भी जो है रैपिड टेस्ट करवाना होगा। दूसरी यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट है वो है मेडिकल हामद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया है कि जो लोग भी अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो जो है आप डोनेट कर सकते हैं। अर्जेंट जो है इसमें ज़रूरत है ब्लड की, जो भी लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं हामद मेडिकल कॉरपोरेशन से कॉन्टेक्ट करके अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ब्लड जो है वो लाजमी आपको 2-3-4 साल के बाद जो है वो डोनेट करना चाहिए। जो एक यंग आदमी है उनको लाजमी जो है वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए। तो ये दोस्तों वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जितने भी लोग हैं जो इनको ये अपडेट नहीं, उन तक भी ये अपडेट पहुँच जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह।